हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइल्ड लाइफ फ्रीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन तीन वर्ड्स के डिटेल्स एंड डिफरेंस बताऊंगा जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये वर्ड्स बहुत कॉमन हैं और ये जो तीन वर्ड्स हैं ये है लंगूर, एप्स एंड मकैक। आप हमेशा ये तीन वर्ड्स कहीं ना कहीं सुनते आए होंगे, तो आप सोचते होंगे कि लंगूर क्या है, मकैक्स क्या है एंड एप्स क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है। तो आज वो बात हम करेंगे इस वीडियो में और इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यदि एनिमल लवर हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम फोकस करेंगे लंगूर पे। देखिए फ्रेंड्स, लंगूर वर्ड जो है वो इंडियन वर्ड है एंड इससे क्लियर होता है कि लंगूर इंडिया में ही पाए जाते हैं या कहीं और बहुत कम पाए जाते हैं, इंडिया के आसपास ही पाए जाते हैं। एंड इसका कोई इंग्लिश नेम नहीं है। लंगूर हिंदी में भी लंगूर है एंड इंग्लिश में भी लंगूर है एंड इनकी ओरिजिन में फ़र्क होता है। मकैक्स एंड लंगूर में जो मेजर डिफरेंस है वो इनकी मॉर्फोलॉजी एंड ओरिजिन पर है। देखिए, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये लंगूर है। यदि आप सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपके घरों पर इनका आना जाना लगा रहता होगा। हालांकि अर्बन एरियाज़ में आजकल लंगूर कम दिखाई देते हैं क्योंकि सिविलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो ट्रीज़ कम हो रहे हैं एंड इनका जो मेन फूड है वो हरी पत्तियां हैं। ग्रीन लीव्स इनका मेन फूड है और इसके अलावा इनकी डाइट में स्पाइडर, बाकी इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, नट्स ये सब भी शामिल है, बट जो मेन फूड है वो इनका ग्रीन लीव्स है। और ये ज़्यादातर समय अपना पेड़ों के ऊपर गुजारते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाते हैं, जबकि ये लैंड पर कम आते हैं। लैंड पर किसी रीज़न से ही आते हैं। यदि कोई नट्स हो लैंड में या कुछ कोई इंसेक्ट या कोई भी फूड इनको दिखे तभी ये आते हैं, बाकी ज़्यादातर समय ये ट्रीज़ में रहते हैं। एंड इनका जो फेस है, जो फेशियल एरिया इनका, ये ब्लैक रहता है। 90% लंगूर में आपको फेशियल एरिया ब्लैक दिखेगा और बिल्कुल क्लीन रहता है, उसमें हेयर्स नहीं होते एंड उसके आजू बाजू, उसके चारों तरफ डेंस हेयर होते हैं। यदि आप सेंट्रल एरिया में रहते हैं तो आपको ग्रे लंगूर देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि आप साउथ में जाएंगे या फिर यदि आप असम में भी जाएंगे तो आपको जो लंगूर देखने को मिलेंगे उनके फर के कलर में डिफरेंस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये असम के लंगूर हैं, ये असम में होते हैं, इनको गोल्डन लंगूर बोलते हैं। लंगूर की बॉडी की यदि बात करें तो इनकी टेल बहुत लंबी होती है, इनकी टेल इनकी बॉडी से भी लंबी होती है एंड इनके जो लिम्स होते हैं, आर्म्स एंड लेग्स, ये भी बहुत लंबे लंबे होते हैं और साइज़ में थोड़े से बड़े भी होते हैं। ये मकैक्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं हाथ पैर इनके। तो अब देखते हैं गाइस मकैक्स को। सो ये जो मोस्ट कॉमन आप देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन मकैक है, ये रीसस मंकी है एंड इंडिया में इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके फेस का कलर रेड है एंड बाकी एरिया थोड़ा ब्राउन है और कुछ मकैक्स जो होते हैं उनमें पीछे का एरिया थोड़ा सा ऑरेंज होता है। इनके भी फूड की यदि बात करें तो ये भी हरी पत्तियाँ एंड नट्स, फ्रूट्स, ये सब, इंसेक्ट, स्पाइडर्स,
ये सब कंज्यूम करते हैं, बट इनमें फ़र्क ये है लंगूर से, मतलब लंगूर से अलग बात ये है इनमें कि ये थोड़े से बाकी फूड जो ह्यूमन मेड होते हैं उनमें भी इंटरेस्टेड रहते हैं। यदि आप राजस्थान से हैं या फिर आपने कभी टीवी में देखा होगा तो ये आपके किचन में घुस सकते हैं, आपके बनाया हुआ जो फूड है खाना वो चुरा सकते हैं। ये चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं। एंड लंगूर के कंपेरेटिवली ये जो मकैक्स होते हैं ये ह्यूमन से ज़्यादा टच में रहते हैं, जबकि लंगूर का जो बिहेवियर है वो मकैक्स से अलग होता है थोड़ा, वो थोड़े से दूर ही रहते हैं ह्यूमन से। बट मकैक्स जो होते हैं वो फ्रेंड भी बन सकते हैं ह्यूमंस के और परेशान भी करते हैं अर्बन एरिया में बहुत, तो इसलिए इन्हें मंकी थीव्स भी कहा जाता है। टेल का जो साइज़ है इनका वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि रीसस मंकी की जो टेल होती है वो देखने में ऐसी लगती है जैसे कि इनकी टेल कटी हुई हो, साइज़ मतलब लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होती इनकी। बट जो बोनेट मंकी होते हैं उनकी टेल रीसस मंकी से थोड़ी और लंबी होती है, तो ऐसे वैरायटी इनकी टेल में। मकैक्स का जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, वो लंगूर से साइज में बड़ी होती है। आप देखिए मकैक्स का जो स्कल में सामने का पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, तो ये फ़र्क आप पहचान सकते हैं दोनों में। और आप इनके लिम्ब्स देखिए, ज़रा हाथ पैर देखिए, ये लंगूर से छोटे होते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस था लंगूर एंड मकैक में। अब बात करते हैं एप्स की। सो गाइस, जो एप्स होते हैं वो ये दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं। एप्स में टेल होती ही नहीं, एप्स की जो टेल है वो रिड्यूस्ड हो चुकी होती है। मोस्ट कॉमन एप्स जो हैं, जो आप लोग जानते होंगे, वो है चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, ये सबसे कॉमन एप्स हैं। एंड इंडिया में सिर्फ एक ही एप पाया जाता है, गिबन्स। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गिबन्स हैं, ये इंडिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई एप इंडिया में नहीं होता। एप्स लंगूर एंड मकैक से भी बड़े होते हैं और साइज में तो बड़े होते हैं, एंड इनका ब्रेन भी बहुत डेवलप हो चुका रहता है। ये थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं लंगूर एंड मकैक से। और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ह्यूमन से सबसे क्लोज होते हैं एप्स। बॉडी स्ट्रक्चर पे यदि आप गौर करें तो फिर ह्यूमन जैसा होता है इनका बॉडी स्ट्रक्चर, बहुत मिलता जुलता। तो इन असल में इन्हीं को देखकर ऐसा लगता है कि बेशक ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो मंकीज से हुआ है। इनके फूड की यदि बात करें अपन तो इनका भी मेन फूड बाकी मंकीज की तरह इंसेक्ट, फ्रूट्स, नट्स, ये सब है, लीव्स, ये सब है। बट जो चिंपैंजी होते हैं वो कभी कभी नॉनवेज भी कंज्यूम करते हैं, कभी कभी शिकार करते हैं चिंपैंजी। ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी बट ये सच है, इसे आप एक तरह का एडॉप्टेशन कह सकते हैं। फूड की कमी के कारण ये अपने आप को ऐसा एडॉप्ट कर चुके हैं कि ये नॉनवेज भी खा सकते हैं, बट ये रेयर है, प्रीफरेंस ये हमेशा वेज को देते हैं। एप्स के हैबिटेट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ होती है इनकी वो अफ्रीका में होती है, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड गिबन्स, ये मेन अफ्रीका में होते हैं। एंड इंडिया में भी होते हैं गिबन्स, बट इंडिया में चिंपैंजी एंड गोरिल्ला नहीं होते, और यदि होते भी इंडिया में तो अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुके होते, बट अफ्रीका में हैं तो बचे हुए हैं, बट फिर भी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है।
अफ्रीका में भी इनकी पॉपुलेशन अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये जानते हुए कि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इनके कंजर्वेशन को लेकर, तो अब हम कह सकते हैं कि ये सेफ है। 2005 के बाद से इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ी है। 2005 के पहले इनका इतना शिकार हुआ कि पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। इनका शिकार इनके फर के लिए एंड टीथ के लिए होता है, बाकी शिकार करने के लिए तो लोगों के पास कोई ना कोई बहाना रहता ही है। सो गाइज, ये थे कुछ फीचर्स लंगूर, मकैक एंड एप्स के। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा तीनों में। अब आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक भी कीजिए।